नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आपके लिए नए नए विषय लेकर आता रहता हूँ। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ अपना अनुभव भी शेयर करता हूँ। आप अपनी कोठी बनाने जा रहे हैं या आप अपना बंगला बनाने जा रहे हैं, तो वास्तुशास्त्र के नियमानुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार आपकी बिल्डिंग किस प्रकार से बननी चाहिए, आज मैं इस विषय के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका प्लॉट वेस्ट फेसिंग और साउथ फेसिंग, यानी आपके प्लॉट को दो गलियां लगती है। आपका प्लॉट कॉर्नर का है, उसमें वेस्ट की भी गली लगती है यानी पश्चिम दिशा की भी गली लगती है, और साउथ यानी दक्षिण दिशा की भी गली लगती है। आपका प्लॉट कॉर्नर का बनता है, उसमें आपकी जो मेन गली है वो पश्चिम दिशा है यानी वेस्ट डायरेक्शन है। सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ बनाना है। आपने अपने यहाँ पर मेन गेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। मेन गेट के ठीक सामने यानी नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ के भाग में आपका कंप्लीट ड्राइववे बन जाएगा। ऐसे ही आपको जो दूसरा गेट लगाना है वो गेट आपने साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने दूसरा गेट लगाना है। आपका कंप्लीट ड्राइववे नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक और नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक कंप्लीट ड्राइववे बन जाएगा। आपने अपनी बिल्डिंग कहाँ बनानी है। वास्तु के नियमानुसार जब एक कोठी बनाई जाती है, बंगला बनाया जाता है और हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा ही चारों तरफ से यानी जो आपकी चार दीवारी बनती है उन चार दीवारी को छोड़कर बीच के भाग में बिल्डिंग को बनाया जाता है। वास्तु के नियमानुसार और मेरे अपने अनुभव के अनुसार जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं उसमें खुले स्थान का भी ध्यान रखना होता है। जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो बिल्डिंग आपकी आपकी बिल्डिंग इस प्रकार से बने, जो आपका पश्चिम का भाग है वो हमेशा ही पूर्व दिशा के खुले भाग से कम होना चाहिए। ऐसे ही आपके दक्षिण के भाग में जो खुला एरिया है उससे उत्तर का भाग ज़्यादा खुला होना चाहिए, यानी कि पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा ज़्यादा खुली होनी चाहिए और दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा ज़्यादा खुली होनी चाहिए। वास्तु के नियम भी यही बात कहते हैं और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है, जिस भी घर का नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का और पूर्व दिशा का भाग ज़्यादा खुला होता है उस घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। आपको अंदर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनाना चाहिए। आपको अपनी किचन यहाँ पर आपको अपनी किचन यानी साउथ ईस्ट के भाग में आपने अपनी किचन बनानी है। ईस्ट के भाग में आपका अपना डाइनिंग एरिया आएगा और किचन के साथ आपका अपना ये वॉशिंग एरिया आ जाएगा और यहाँ पर आपका अपना मंदिर आएगा। ड्राइंग रूम आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के भाग में बनाना, किचन स्टोर आपने कहाँ बनाना है। किचन स्टोर आपने किचन के साथ लगता हुआ साउथ के भाग में, यहाँ पर आपने किचन स्टोर बनाना है। मास्टर बेडरूम आपने कहाँ बनाना है। साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना मास्टर बेडरूम बनाना है और मास्टर बेडरूम के साथ ये आपका अपना ड्रेसिंग बनेगा और यहाँ पर आपके अपने टॉयलेट बनेंगे। ऐसे ही आपने एक ड्रेसिंग यहाँ पर बनानी है और ये टॉयलेट बनानी है। दूसरा बेडरूम आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनेगा। कॉमन टॉयलेट आपने कहाँ बनानी है।
कॉमन टॉयलेट आपने बेडरूम के साथ नॉर्थ के भाग में, यहाँ पर आपकी एक अपनी टॉयलेट बन जाएगी यानी पाउडर रूम बन जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर स्टोर कहाँ बनाना है। आपने अपने यहाँ पर स्टोर साउथ के भाग में, जितना आपका किचन स्टोर बनेगा उसकी दीवार के पैरेलल आपका अपना स्टोर बन जाएगा। स्टेयर्स आपने साउथ के भाग में यानी दक्षिण दिशा में आपके अपनी स्टेयर्स बनेंगी, जो कि क्लॉकवाइज आप स्टेयर से ऊपर जाएंगे। यहाँ पर आपकी अपनी स्टेयर्स बनेंगी। जो पहला स्टेप बनेगा वो आपका ये बनेगा। आपने अपने घर की जो मेन एंट्रेंस है वो कहाँ से बनानी है। मेन एंट्रेंस आपकी अपनी नॉर्थ के भाग से बनेगी, नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर। यहाँ पर आपका डोर आएगा और डोर के साथ में आप अपने यहाँ पर बड़ी विंडो जरूर लगाएं। डोर के दोनों तरफ विंडो लगानी है। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका ईस्ट का भाग है और जो आपका अपना नॉर्थ का भाग है और जो आपका वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट की ओर है, यहाँ पर आपने बड़ी बड़ी विंडो रखनी है। जब आप विंडो यहाँ पर लगवाएंगे तो ध्यान रखना है विंडो इस प्रकार से बने जिनके पल्ले खुल सके, यानी खुलने वाली विंडो आपने बनानी है। फिक्स ग्लास वाली आपने विंडो अपने यहाँ पर नॉर्थ के भाग में, ईस्ट के भाग में और वेस्ट के भाग में नहीं लगानी है। आपने अपने घर के साउथ वेस्ट के भाग में जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम का साउथ वेस्ट का साउथ की दीवार भी और वेस्ट की दीवार भी, ये हिस्सा आपने बिल्कुल सॉलिड रखना है। यहाँ पर कोई भी खिड़की या दरवाज़ा नहीं आएगा। आपने अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग कहाँ करनी है। आपने अपने यहाँ पर पानी की बोरिंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर पानी की बोरिंग करनी है। इसी के साथ में आपका अपना रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक आएगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के साथ आप अपने यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक भी बना सकते हैं। बिजली के लिए आपने अर्थिंग करानी है तो वो अर्थिंग आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर इस भाग में आपने करवानी है। फर्श के ढलान आपने कैसे करनी है। फर्श की ढलान आपने साउथ ईस्ट की ओर और साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने ओपन एरिया की फर्श की ढलान करनी है। जो आपकी बनी हुई बिल्डिंग है, बनी हुई बिल्डिंग का स्लोप आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर, ऐसे ही वेस्ट से ईस्ट की ओर करनी है। जो आपके अपनी टेरेस बनेगी, जो छत बनेगी, छत के अंदर भी जो ढलान करनी है वो भी साउथ वेस्ट से आपने नॉर्थ ईस्ट की ओर ही करनी है। आपने अपने यहाँ पर जनरेटर कहाँ रखना है। जनरेटर आपने अपने यहाँ पर साउथ साउथ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना जनरेटर रखना है। आपकी अपनी कोठी या आपका अपना बंगला बना हुआ है और उसमें वास्तु के अनुसार काफ़ी कुछ कमियाँ हैं और आप अपने यहाँ पर बदलाव करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप मेरी वीडियो को एक बार नहीं कई बार जरूर देखें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ पर वास्तु के अनुसार बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर के प्लॉट को वास्तुशास्त्र के अनुसार ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। साउथ वेस्ट कॉर्नर के प्लॉट में बिल्डिंग बनाते समय वास्तु के नियमों का ध्यान नहीं रखा जाता, और ध्यान रखते हैं तो ध्यान रखते हुए भी बहुत सारी कमियाँ हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके साउथ का और वेस्ट का फ्लोर लेवल बनी बिल्डिंग के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। आपकी बनी बिल्डिंग से नॉर्थ का और ईस्ट का फ्लोर लेवल नीचा होना चाहिए, यानी कि फर्श लेवल जो आपका ओपन एरिया का फर्श लेवल है, जो बनी बिल्डिंग का फर्श लेवल है, साउथ और वेस्ट का बराबर होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट का नीचा होना चाहिए और पूरे फर्श की ढलान नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी चाहिए। इसी के साथ आपकी जो साउथ की दीवार है और वेस्ट की दीवार है वो नॉर्थ की दीवार से और ईस्ट की दीवार से थिकनेस में ज़्यादा भी होनी चाहिए और ऊंची भी होनी चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपका जो प्लॉट है वो वेस्ट फेसिंग है
और साउथ फेसिंग है, यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट है। ऐसे प्लॉट में कभी भी बेसमेंट नहीं बनानी चाहिए। आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आपके यहाँ आप अपने नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं या आपके अपने कोठी, आपका अपना बंगला बना हुआ है और उसके अंदर वास्तु दोष है और उस पर आप मेरे से चर्चा करना चाहते हैं, या आप अपनी किसी अन्य साइट, किसी दूसरी साइट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो निसंकोच होकर मेरे से चर्चा कर सकते हैं, वास्तु सलाह ले सकते हैं। आप अपने यहाँ पर वास्तु के अनुसार बदलाव करते हैं तो एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही हैं तो आप अपने यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।